चंपारण जिले के सुगौली में मस्जिद पर बाढ़ का खतरा मंडलाने लगा है। सुगौली नगर के अमीर खान टोला गोदाम में मौजूद मस्जिद के पास पाइपलाइनिंग किए गए क्षतिग्रस्त बोरे को देखकर ग्रामीणों के अंदर खौफ का माहौल है, जहां डर के साए में सिकरारा नदी के आसपास बसे हुए लोग अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। पूर्व के सैलाब व कटाव में ही मस्जिद का नींव सिकरारा नदी की जद में ढह गया था। इसके बाद बचाव के लिए पाइपलाइनिंग स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया गया, इसकी वजह से मस्जिद बच सका। एक बार फिर से सिकरारा नदी में सैलाब आने से मस्जिद और दर्जनों घरों पर खतरा मंडराने लगा है। अगर समय पूर्व वहां समुचित कदम नहीं उठाया गया तो नदी मस्जिद को अपने आगोश में ले लेगा। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद वकील और बुजुर्ग महिला जमीला खातून ने बताया कि मजबूत पाइपलाइन की जरूरी है और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सैलाब से बचाव के लिए कदम उठाने की मांग की है। बाढ़ आई रहे सब हमर घर घाटी काटले भाई, हमने के शरण नहीं थे न भरे के शरण बा, अगर दूसरा कोई के जमीन में है जाता ने बरा रोक दी तो बंद हो जाए, हमने के कोनो शरण नहीं। यहाँ के कोनो अधिकारी के तरफ से कुछ मिलल बाकी ना? कुछ ना, कुछ नहीं के मिला ना, कुछ ना। कहाँ रह तनी से लोग? अब ये खलसम बात ना जगह, यही में बाल बच्चा लेके आदमी टाटी मरल मस्जिद एगो बा इहो कटे वाला बा, हमनी के तो काटे ले गल हमर, हमनी के कोई शरण नहीं थी, ना कोई खोज पूछ बा ना कोई देख रेख बा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मस्जिद जो है इसका जो कोना पर जो है यहाँ पे पानी जो है कटाव कर रहा है जी, ये पाइलिंग जो है पाइलिंग भी जो है पूरा पानी से जो है यहाँ पर मतलब झड़ चुका है, क्षतिग्रस्त हो गया है जी। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? बाढ़ जब आ जाएगा तब? अब बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा, वो आदमी हाईवे में भागता है हर बार। हाँ, हर बार भागता है। अच्छा, बाढ़ से पहले कोई अधिकारी यहाँ आया था कि नहीं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया था। यहाँ पर लगभग कितने घर हैं? यहाँ पर लगभग 40 घर है। अगर बाढ़ आ जाती है तो कितने घर जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं? यहाँ पर क्षतिग्रस्त मैंने 20 घर समझिए, लगभग 20 घर है। पानी जो है यहाँ बढ़ रही है क्या? हाँ, पानी से बढ़ रही है। मस्जिद है, कटने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है जी। हाँ, मस्जिद के कोई भी अच्छा ये बस्ती के कोई देखभाल करने नहीं आता है जी। कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया? कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया है। ये पाइलिंग जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जो बालू भर के रखा हुआ है, इसको मतलब डालने के लिए लगाने के लिए कोई नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं। जब पानी एकदम फुल हो जाएगा आएगा लोग, बोरा फेंक देगा लोग, चाहे बोरा जहाँ भी चला जाए। हाँ। उससे कोई अधिकारी का मतलब नहीं है।